हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज के क्लास में करणी और घातांक का ये हमारा तीसरा पार्ट है। हम तीसरे पार्ट के वीडियो में आपको बताने वाले हैं दो टाइप के प्रश्न। एक, इन प्रश्न को देखने के बाद में आप समझ नहीं पाते हैं इसकी हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो ही इस टाइप के प्रश्न आपको दिखें, आप बहुत आसान तरीके से इसे सॉल्व कर पाएंगे। और चैनल से आप जुड़िए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में 2-4-10 लोगों में आप शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहले टाइप के प्रश्न को लगाने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, करणी में 4a-3। अब देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाइए और 1 लिखिए और बटे में 2 करिए। अब देखिए, इस फार्मूले में हमको मान को रखना है। a की जगह कितना है? 6 है। तो देखिए, करणी में 4, a की जगह कितना रखेंगे? 6-3 और यहाँ पर प्लस 1/2। तो देखिए, 6×24 और 24 में से अगर आप 3 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 24 में से 3 जाएगा तो आपको मिलेगा 21। तो करणी में 21 और प्लस 1/2, ये आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरे प्रश्न को लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, याद रखिएगा। अब दूसरे प्रश्न को लगाते हैं, ये फार्मूला आप याद कर लेंगे कि नहीं याद कर लेंगे बताइए। करणी में 4a-3, अब देखिए यहाँ पर प्लस कैसे लगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लग गया, अब बटे में 2 कर लेंगे, पूरे के बटे के 2 कर लेंगे। अब दूसरा टाइप का प्रश्न देखिए, दूसरे टाइप के प्रश्न को हम बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर फार्मूला देते हैं आपको, फार्मूला। अब फार्मूला आप सोच रहे होंगे कि फार्मूला हम कितना कठिन याद कर लेंगे, भैया कर लेंगे, बहुत आसान है, इतनी बड़ी बात नहीं हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए, करणी में 4a-3, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ -1 करेंगे, बटे में 2 लगाएंगे। अब याद भी नहीं करना है प्रश्न देख के, तो फार्मूला लिखना है। यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस 1 करिएगा और यहाँ पर माइनस रहेगा तो -1 करिएगा। अब ये मान दोनों में देखिए समान है। अब देखिए, पुट करते हैं, 4a की जगह कितना? 11-3 और -1/2। तो देखिए, 11×44 मिलेगा, -1/2, ये आपका आंसर हो गया। तो बताइए, आपको वीडियो कैसी लगी बताइए, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो अच्छी लगी, नहीं भी लगी होगी तभी बताइएगा कि नहीं पसंद आई वीडियो, कोई बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हमको वीडियो समझ में नहीं आई। मुझे उम्मीद है कि दोनों फार्मूले आप याद कर लेंगे और दोनों प्रश्न को लगा लेंगे, और जब भी इस टाइप के प्रश्न लगेंगे आप बिल्कुल लगा लेंगे, ये मैं बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल लगा लेंगे। देखिए, पहले टाइप के प्रश्न में क्या है, करणी में 6 प्लस करणी में 6 माइनस करणी में 6, वैल्यू प्लस माइनस में है। तो पहले टाइप के फार्मूले को हम यूज करेंगे, ऐसे फार्मूले को यूज करेंगे और प्रश्न को लगा लेंगे। देखिए, दूसरे में क्या है, करणी में 11 माइनस करणी में 11 प्लस करणी में 11 माइनस करणी में 11 प्लस डॉट, वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इस फार्मूले का यूज करके प्रश्न को लगा लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोनों प्रश्न आप समझ गए होंगे, वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।